एक लोकल डिश। तो अभी वी आर गोइंग टू दिस केव। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया त्यागी व्लॉग्स। सो आज है हमारा सेकंड डे इन वियतनाम। सो अभी बजे हैं 8:30 और आज हम लेट उठे हैं क्योंकि हमारा जो आज का टूर है वो है सेकंड हाफ का। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और बाहर बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है रूम के बाहर, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आज हमारा जो कल जो हमारा टूर था वो था सुबह 7 बजे का, आज हमारा जो है वो है 2 बजे का। तो आज हम अभी ब्रेकफास्ट करके आएंगे, फिर यहीं पे होटल में थोड़ा कुछ देखेंगे, स्विमिंग करके आएंगे। मैं आपको पहले बाहर का व्यू दिखाती हूँ, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये सामने ही होटल के सामने बीच है, पहले चलते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट करने। अभी जस्ट आए ब्रेकफास्ट करके, ऊपर हम स्विमिंग पूल में देख के आए, वहाँ तो बहुत धूप आ गई है। तो फिर देखते हैं कल, अगर जल्दी सुबह उठ पाए तो कल देखेंगे। आज फिर हमारा जो टूर है वो है 1:30-2 बजे का। तो अभी फिर रेडी वेडी होके फिर देखते हैं, अगर टाइम बचता है तो यहीं कहीं घूम। रेडी होके अब निकल रहे हैं, हमारा जो टूर है वो तो है 1:40 से, अभी बज गए हैं 12, तो 1.5 घंटे हैं, कहीं ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारी बस जो आएगी वो यहीं होटल से हमें पिक करेगी। तो यहीं आसपास का जो मार्केट है वहीं पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं, 1.5 घंटे है तो चल। अभी हम जा रहे हैं, पास में एक मार्केट है वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि हमें 1:40 पे वापस भी आना है, यहाँ पे बस आएगी। तो अभी बच गए हैं 12:15 अप्रॉक्स हो गए हैं, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फटाफट चलते हैं पहले अभी मार्केट। अभी हम आए हैं यहाँ पे खान मार्केट में, जितना आधा 1 घंटा है यहाँ पे, देखते हैं कोई पसंद आता है तो। लगता नहीं हम आधे 1 घंटे में पूरा कर पाएंगे, तो जितना देख पाएंगे उतना देखते हैं। बाकी फिर कल का भी आधा दिन है हमारा, तो फिर कल आ जाएंगे। तो यहाँ से लिए हैं हमने अभी कुछ बैग, USD से वेतनीस में करेंसी चेंज करानी है, तो वो हम करा रहे हैं और हो गए हैं 1:45, तो फिर हमें होटल भी वापस जाना है। 1:40 पे बस आएगी, तो फटाफट बस चेंज करा के और फिर निकल रहे हैं अपने होटल के। कर ली हमने थोड़ी बहुत, अभी ज़्यादा हम देख नहीं पाए क्योंकि टाइम बहुत कम था, देखेंगे। आज तो हमारा रात तक का टूर ही है, रात को ही आएंगे वहाँ पर वापस, कल देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो आएंगे दोबारा। अभी बच गए हैं 1:15, तो हम फटाफट जा रहे हैं अपने होटल पहले। अभी आ गई हैं नीचे, 1:55 हो गए हैं, 1:50 का टाइम था, तो अभी हम अपनी बस का वेट कर रहे हैं, जस्ट होटल के बाहर ही हैं, होटल के बाहर से वो पिक करेगी। तो 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं, देखते हैं आने वाली होगी। आ गई है हमारी बस, अभी चल रहे हैं। सो अभी आ गए हैं हम अपनी बस में, आज सो
pagoda over there. Buddhist pagoda. It's named Lindu Pagoda. So in Da Nang, we got three pagoda. Same name. Lindu 1, Lindu 2, Lindu 3. Here, Lindu 3. The new one. It's built from 2010. So after this, we go to Marble Mountain. You will see the Lindu number 1. We say Lindu Ngũ Hành Sơn. And Lindu 2 in Bana. Sometimes we say Lindu Bana. So here is the name of the mountain is Santa. Sometimes we call the pagoda its name Lindu Santa. You know, or you can say Lindu 3. Lindu 2 in Bana, Lindu 1. Marble Mountain is over there. So I see the people that stand in front of the big statue. They take picture of themselves and the statue. It's very nice. Yeah, I recommend you do that. If you don't like that, you're free. Okay? Gentle guy recommend. And you see the Long Beach. You know, very long. It's along the city. And the end to Hoi An. Hoi An at the end of the beach there. 30 kilometers from Da Nang. 40 minutes driving. Hoi An is a beautiful and ancient style. Da Nang also beautiful, but beautiful in modern style. Two different. Yeah. We are lucky. We got two cities, all of them beautiful. Yeah. Good money for people. And the next, you see the ocean in the water. Americans, they say China big. For history, not good for Vietnam. That's why Vietnam government did not allow the people ride China big in the ball. But before 1990, local people, they don't know. They want to ride China big restaurant, China big hotel. The government say no, stop, because not here, not China. But why the Americans they say China? Because you see China in the north, Vietnam like this, the ocean in the, at the South China, they say South China Sea. So अभी उन्होंने यहाँ की हिस्ट्री वगैरह सब बताया और अभी हमें यहाँ पे आधा घंटा मिला है पूरा एक्सप्लोर करने में, फोटो वीडियो जो लेने हैं वो सब, और फिर आधे घंटे बाद हमें वापस जाना है अपने बस में फॉर नेक्स्ट लोकेशन. तो अभी यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है. और So this is a statue of Lady Buddha. अभी मैं सामने से भी दिखाती हूँ. ये है लेडी बुद्धा का स्टैचू, बहुत बड़ा. यहाँ पे हमने ले लिए फोटो वगैरह सब. अब यहाँ से चल रहे हैं, आधा घंटा हो गया अपनी बस की तरफ, फिर चलेंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे. पूरी बस में वापस आ गए हैं, पूरी आज कल दो घंटे चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन. मिले हैं घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए. Thank you.
ये मार्बल के स्टैचू वगैरह हैं और अंदर स्टोन की ज्वेलरी वगैरह हैं, यही सब हैं। तो देख लिया है यहाँ पे, अभी चलते हैं वापस दस के अंदर फॉर नेक्स्ट लोकेशन। तो अभी हम आए हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन जो है मार्बल माउंटेन, तो ऊपर जाना पड़ेगा अभी, पहले पूरा ग्रुप आ जाए नीचे फिर चलेंगे। तो यहाँ पे एक एंट्री टिकट है, वो तो हमारे पैकेज वाले जो टूर में उसमें इंक्लूड है, तो वो टिकट ले रहे हैं सबकी। बाकी एक है लिफ्ट टिकट ऊपर जाने के लिए, तो वो हमको खुद से लेनी है, या तो लिफ्ट टिकट लेके उसके चले जाओ वरना चल चल के जाओ। तो एंट्री टिकट वो ले रहे हैं टूर वाले, लिफ्ट टिकट हमको खुद से लेना है जो है 15,000 वेंडी। अभी सब लोग टिकट ले रहे हैं, उसके बाद चलेंगे ऊपर। सो ये मिल गया है हमारा लिफ्ट टिकट, जो 15,000 डोंग। तो अभी चलते हैं लिफ्ट की तरफ। सभी हम आ रहे हैं ऊपर, बाकी ग्रुप वाले भी आ रहे हैं, तो अभी हम 2 मिनट का वेट कर रहे हैं फिर चलेंगे अंदर। यू सी माय बॉडी लैंग्वेज, 1, 2 नेक डाउन, 3 नेक डाउन एंड 4 इज हियर, वी आर 5। 5 फ्रॉम हियर वी कैन नॉट सी, बट 5 इज बिहाइंड द बिग माउंटेन। We got 5 mountains around and 1 marble village down there. You see, all of them 65%, they are covered. You see their family with marble in front, yeah? Many. 100 years ago, this, they got the mountain, they get marble on, they got license, they pay tax, they can do. But now, they cannot. Because the government stopped. They want to reserve the mountain for tourism. More and more tourists coming here for tourism. So, night play, yeah? But 1,600 years ago, here is the Hindu mountain for the charm. They worship the Hindu god in the cave. So in this place, many cave. We see a few, not many. So they have a lot. So, abhi chalte hain andar. So, check Chenye went in it. There are 2 guys there. We got 4 small caves. Number 1, neck door. Buddhism, yeah? Number 2, here. Number 3, over there. You see the other side. Small. And number 4 is there to the left. Yeah, you will be free and then you see, yeah? Here, the Chan people, their cave, their mountain, their country, their land. More than 1,600 years. I think very long. So there. अभी हम एक के अंदर गए, वो हिंदू वाली थी, अभी दूसरी में जाते हैं। लिटिल बिट स्केरी, कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ी आवाजें आ रही हैं, शायद कीड़े बिड़े की आ रही होगी, ऐसा लग रहा है पायल बज रही हैं। और यहाँ पे ज्यादा लोग हैं भी नहीं, थोड़ा सा डर लग रहा है। सो केव देख लिया,
सारी सेम सी हैं। अभी चलते हैं बाहर वापस। सो भी केव से बाहर आ गए हैं, अभी सब ग्रुप वहाँ पे इकट्ठा है, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट लोकेशन कहाँ जाएंगे। तो हम आए थे लिफ्ट से, लेकिन लिफ्ट यहाँ पे 5 बजे बंद हो जाती है और अभी हो गए हैं 5:20, तो हमें वापस नीचे उतरना पड़ेगा स्टेयर्स से। तो आ गए हैं स्टेयर्स से नीचे। स्टेयर्स थोड़ी स्केरी सी थी, मतलब एकदम उड़खाबड़ सी। अभी आधे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे हम आ गए हैं। सामने खड़ी है हमारी बस, चल के बैठते हैं अपनी बस में। तो वो रही हमारी बस वाइट वाली, अभी चलते हैं वहाँ। बस में आ गए हैं, वहाँ पर बज गए हैं शाम के 5:30 और अभी हम जा रहे हैं वहाँ। अभी 10 मिनट हमें वॉक करके आगे जाना पड़ेगा। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर डिनर फर्स्ट। So dinner ho gaya hai, abhi hum aa rahe hain. So I want more double check how many people enough. तो अभी डिनर कर लिया है, अभी हम हैं वहाँ की मार्केट में। तो अभी उन्होंने हमें 1.5 घंटे का टाइम दिया है यहाँ पे घूमने के लिए, और हमें 2:45 सबको मिलना है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है आगे। यहाँ पे ये कैंडल्स मिल रही हैं, इसमें लगाने जैसे हम हरिद्वार में लगाते हैं शायद वैसे। और साइड में ये बोट में भी लाइट लगी है, सारे में लाइट लगी है।
अभी हमने ये लेफ्ट साइड घूम लिया है, अभी हम बीच क्रॉस करके उधर जा रहे हैं, उधर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इधर तो लोकल शॉप लगी हुई थी बाहर रोड पे, लेकिन यहाँ पे सारे कैफे वगैरह, और जब दूर से तो अच्छा लग रहा है। अभी जाके देखते हैं और क्या क्या है, शॉपिंग का भी है, तब चलते हैं। सो अभी हम करने जा रहे हैं बोटिंग। एक्चुअली हमें यहाँ पे एक दिन स्टे करना चाहिए था, लेकिन हमारी तीन सिटी थी तो हमने यहाँ का डे टूर ही करा। तो अभी हमें यहाँ पे 1.5 घंटे ही मिले हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले बोटिंग भी जाना, और यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा है, सब कुछ देखना भी है। तो आई डोंट थिंक कि हम 1.5 घंटे में सब कुछ कवर कर पाएंगे, तो लेट्स सी जितना कर पाते हैं। अभी हम पहले जा रहे हैं बोटिंग के लिए, तो पहले चलते हैं बोटिंग के लिए, फिर देखेंगे यहाँ पे जो सब देख पाएंगे जितना 1.5 घंटे में। हमने यहाँ पे लिया बोटिंग फॉर 20 मिनट्स, 1 से 3 मेंबर के लिए 1,50,000 बेंडी, एंड 4 से 5 2 लाख। चार लोग हैं तो हमें मिल गया 2 लाख में। तो अभी चलते हैं जल्दी से टिकट लेके, क्योंकि आधा घंटा बोल रहे हैं, तो आधा घंटा तो बोटिंग में ही लग जाएगा, फिर हमारे पास घूमने के लिए बहुत कम टाइम बचेगा। तो चलते हैं फटाफट बोटिंग करने। हम आ गए हैं बोटिंग के लिए। तो ये हमने सेफ्टी जैकेट पहन ली है। बाहर से जितना अच्छा व्यू लग रहा था ना बोट के अंदर आने से, पूरा चारों तरफ का दिख रहा था, तो अंदर से और भी ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। साथ चारों तरफ लाइटनिंग म्यूजिक, तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है अंदर से। दिख रहा है, मेरा तो मन कर रहा है हमें यहाँ का एक दिन कर रखना चाहिए था, बट ठीक है नहीं रखा। बहुत प्यारा, बहुत प्यारी वाइब आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी लाइटिंग, इतना ब्यूटीफुल व्यू है, दैट मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं क्या बोलूँ। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है एकदम। तो ये अभी हम हैं हुआंग में। हुआंग इज लाइक, मतलब वो हमारे गाइड ने ही बताया कि हुआंग पहले ओल्ड टाइप का, एंशियंट टाइप का, और दनांग जो बना है वो अभी बना है, तो वहाँ पे मॉडर्न टाइप का है। तो यहाँ पे हुआंग में जो बने हुए हैं फ्रेंच स्टाइल का थोड़ा है, घर वगैरह सब ऐसे फ्रेंच स्टाइल में बने हुए हैं। बट ये रिवर साइड जो व्यू है ये बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम लाइटनिंग म्यूजिक, बहुत प्यारा लग रहा है। तो हमने तो ये गलती करी कि हमने हुआंग का एक दिन का स्टे नहीं रखा। आप अगर वियतनाम आए तो आप हुआंग का एक दिन अलग से लेके आए, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमने बस 1 डे टूर रखा है तो हमारी सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। तो आप आएँ तो अपना एक दिन का स्टे हुआंग में भी रखें, ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर सकें, और यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। आप रात को आके यहाँ पर इंजॉय कर सकें, पार्टी कर सकें, बोटिंग कर सकें, तो बहुत अच्छा। आप एक दिन हुआंग पर रखना है स्टे, और यहाँ पे रात को आके बैठो, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है। राइड कर ली 20 मिनट की, बहुत मज़ा आया, और अंदर से जाके पूरा चारों तरफ का व्यू देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। अभी हमारे पास आधा एक घंटा है, तो और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे। लाइव म्यूजिक चल रहा है, शॉप्स भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैफे हैं, एंड लाइटिंग डेकोरेशन। तो अभी हम चल रहे हैं आगे।
बोटिंग कर लिए, उधर की साइड घूम लिए हैं। अभी हो गए हैं 8:15, हमको 8:30 बजे अपना मीटिंग पॉइंट पे मिलना है जो है यहाँ से थोड़ा दूर। तो अभी हम ब्रिज क्रॉस करके वापस जा रहे हैं उस साइड। जब हम आए थे जब ब्रिज पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, अभी भी है लेकिन अभी थोड़ी कम हो गई है। अभी बजे हैं 8:15 यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे जैसे गंगा जी में हम ऐसे अपना दिया जलाते हैं, तो यहाँ पे ये रिवर में, हुआंग रिवर में ये सब एक कैंडल दिखाते हैं। तो ये रिवर में ऐसे कैंडल जला रहे हैं। यहाँ पे शायद दिन में आएंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो मेन यहाँ का लुक आ रहा है वो सारा लाइटनिंग से आ रहा है, एकदम कलरफुल कलरफुल लाइटनिंग। तो दिन में यहाँ पे आने का कोई मज़ा नहीं है, नाइट लाइफ भी यहाँ की अच्छी है। इसीलिए जब हम टूर भी देख रहे थे ना, तो हम फुल डे का देख रहे थे, तो फुल डे का यहाँ का टूर नहीं मिला, तो हमें सेकंड हाफ का ही मिला 2 बजे से। तो फिर 2 बजे हम निकले वहाँ पे, हमने दनांग में 1-2 चीज़ें देखी और फिर हम हुआंग में आए हैं यहाँ पे 6:30 अप्रॉक्स। फिर हमने डिनर किया 7 बज गए। तो जब यहाँ तक आए तो यहाँ पे ऑलरेडी रात हो चुकी थी, तो लाइटनिंग वगैरह सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी अगर हुआंग में आएँ तो नाइट का ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ ही अच्छी है। चाइना ब्रिज, यहाँ की एक लोकल डिश। क्या नाम है इसका? बैनमी। तो हम ट्राई कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारा विदाउट एग, विदाउट मीट वेजिटेरियन। तो ट्राई करके देखते हैं इसको। साढ़े 8 बज गए हैं, हम लोग वापस आ गए अपने मीटिंग पॉइंट पे जहाँ पे हमें मिलना था, लेकिन 2 लोग अभी बचे हैं जो कि उनको वेट कर रहे हैं। जैसे वो आ जाएंगे फिर हम अपनी बस से यहाँ से 5-7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस से खड़ी है, फिर हम वहाँ जाके बस से अपने जाएंगे वापस होटल दरना। ये रही हमारी बस। और सबको ड्रॉप करते हुए जाएंगे सबके होटल, तो शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाए। वही उन्होंने सब बोला था कि रात को 10 बजे तक ही पहुँचेंगे, तो वही लग रहा है 10 बजे तक ही पहुँचेंगे अपने होटल। तो अभी बस सब आ जाएं फिर निकलते हैं यहाँ से। How about your dinner tonight? Good dinner? Yes. Yes, you will enjoy, yeah? And do you like it tour today? Are you happy? Yes. Very nice, yeah. Thank you very much. So अभी बज गए हैं 10:15। जस्ट अभी होटल में वापस आए हैं, बहुत थक गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा रहा आज का टूर हुआंग का, काफ़ी मज़ा आया। लेकिन अब बहुत थक गई हूँ मैं, तो जस्ट चेंज करके सोने वाली हूँ। कल फिर हमें जाना है, कल हमारी फ्लाइट है, हम दूसरी सिटी जाएंगे। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना, आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह मिलते रहे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।